2012 में आपके ऊपर 9 क्रिमिनल केस थे, शायद से 9 थे। 2017 में आप 5 बचे थे, ऐसा ही है ना, 4 आपके निपट गए थे। अब प्रेजेंट की अगर, तो मतलब प्रेजेंट की बात करें तो शायद से अभी भी 5 ही चल रहे हैं। नहीं, अब कम है। अब कितने हो गए? दो अब मेरी समझ से दो या तीन मुकदमे होंगे। तीन या मुकदमे, तीन। तीन तीन मुकदमे करीब हैं। ये सब कैसे, ये यही छवि तो दबंग वाली छवि बनाती है। देखिए, हमने हमारे पिताजी क्रिमिनल के बहुत अच्छे लायर थे। हमारा 4.5 साल का भाई था जो इस समय ब्लॉक प्रमुख है। तो जब वो 4.5 साल का था तो उसकी पकड़ हो गई थी। जो बदमाश उसको पकड़ के ले गए तो तेजाब से नहला दिया था, पूरे शरीर में कीड़े पड़ गए थे, जनपद जालौन में मिला था जाकर के। तो जब वहाँ पर जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, तो चूंकि पिताजी करमलेल के लायर रहे तो इन्वॉल्व थे, वो अपनी अपनी कर्मगति को प्राप्त हुए। उनको उन्होंने न्यायपालिका से लगा के हर चीज़ में दंड दिया दिलाया, और पूरी जितना भी मतलब उनका विरोध कर सकते थे उस विरोध से उनका मुकाबला किया, सामना किया। उसमें स्थिति ये आई कि अब जब आपकी किसी से रंजिश हो जाती तो रंजिशन आदमी एक दूसरे व्यक्ति को फंसाने लगता है। अब आप बताइए कि वर्ष 1987 में, मेरी डेट ऑफ बर्थ 10/9/75 है, वर्ष 1987 में मेरे खिलाफ़ मुकदमा लिख दिया जाता है। 12 साल की उम्र में किसी के खिलाफ़ मुकदमा लिख दिया जाना कहाँ तक जायज़ होता है? किस परिपेक्ष में? ऐसे ही मतलब जो पारिवारिक रंजिश हुई, जो पिताजी पिताजी से रंजिश जिन लोगों की चलती थी, पिताजी का नाम लिखा है, पूरे परिवार का नाम लिखा दिया, तो उसमें जो बड़ा होता था गया उसका भी नाम लिखा दिया गया। तो इस परिवार के ही लोगों ने, पारिवारिक रंजिश नहीं, थी। पारिवारिक रंजिश नहीं थी, पारिवारिक रंजिश नहीं थी, मतलब चूंकि वहाँ पे क्षेत्र में जहाँ रहते थे उन लोगों से रंजिश चलती जिन लोगों ने किडनेप किया था भाई का, तो वो वहीं के लोकली रहने वाले थे। तो कोई भी चीज़ होती थी तो एक दूसरे में मुकदमेबाजी होती थी, इधर से भी लिखे जाते थे, उधर से भी लिखे जाते थे। तो इधर उधर से जो मुकदमे लिखे जाते थे उनमें पूरे परिवार में जो भी बड़ा होता गया उसके खिलाफ़ मुकदमा लिखता चला गया। तो ये जो मुकदमे लिखे, तो वो जो मुकदमे जो सही नहीं लिखे थे वो सारे छूट गए। लेकिन एक ऐसा एक ही नहीं, मतलब ऐसे तो ये सिर्फ एक है, बाकी और भी मुकदमे आपके। वर्ष 1987 से लेके फिर वो लिखे गए मुकदमे लिखे गए, उसके बाद ट्रायल पे आए, सब छूट गए। इसी इसी रंजिश में ही सिर्फ 9 मुकदमे, ऐसा तो नहीं है इस कि रंजिश अलग में, अलग। नहीं, इस रंजिश में हुआ। उसके बाद पिताजी की हमारे हत्या कर दी गई थी। जब पिताजी की हत्या की गई है, उसमें कुछ ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई जो लोगों ने इन्वॉल्व कर दिया, कहीं पर कोई घटना हुई उन्होंने साहब नहीं इन्होंने किया है तो उसमें वो ले लिया गया। जबकि कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, हम यहाँ रहते हैं, घटना कहीं हो तो इन्वॉल्व कर दिया जाता है, कोई मतलब नहीं होती। अभी एक भाई के साथ एक घटना घटित हुई थी तो भाई को गोली लगी थी, वहाँ पर भी मेरा नाम इन्वॉल्व कर दिया गया। जब इन्वॉल्व कर दिया गया, और आप देखिए एक तारीफ वाली बात यहाँ पर ये देखिए कि मेरे नाम FIR नहीं, हमारी बात समझिए, मेरे नाम FIR नहीं हुई, मेरे नाम चार्जशीट नहीं गई, और साहब मेरा नाम उससे जोड़ दिया गया। मेरे जो मुकदमों की लिस्ट में उसमें मेरा मेरा ना, मेरे नाम के आगे वो मुकदमा चढ़ा दिया गया। तो ये सब क्या है भाई, जब चार्जशीट भी नहीं जा रही और मेरे नाम FIR भी नहीं हो रही, तो फिर मेरे नाम के आगे वो मुकदमा चढ़ा जाना तो गलत है ना। बिल्कुल। तो अब इस चीज़ को हम तो नहीं रोक सकते भाई, ये चीज़ें जो हुई हैं, अब हमने कहा कि ये गलत है, अब लेकिन वो हटाया नहीं जा रहा। क्यों नहीं हटाया जा रहा? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अब स्थितियां तब सही होती हैं जा करके जब कोई भी अच्छी सरकार आए और न्यायप्रिय कार्य करे तो अच्छा लगता है भाई। भाई पुलिस प्रशासन तो एक ऐसी चीज़ है जो जो चाहे सो कर लेती है, अगर उसके सही कोई सरकार नहीं आती है तो फिर तो ये लोग अपनी मनमानी करते हैं, जो चाहे वो लिख दिया। जो हमारे जो मुकदमे उन्होंने दिखाए उसमें कम से कम 3-4 मुकदमे ऐसे हैं जो मेरे खिलाफ़ लिखे ही नहीं गए आज तक और चढ़ा दिए गए, तो उनका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। आप पेशे से अधिवक्ता भी हैं, अपने मुकदमे खुद लड़ते हैं? लगभग अपने मुकदमे खुद ही देखते हैं, और हम बार एसोसिएशन के समय चुनाव अधिकारी भी हैं, जो चुनाव हो रहा है उसके चुनाव अधिकारी पिछले पिछले उसमें भी रहे थे, इस बार भी हैं। हाँ, और वहाँ पर
जो अनुशासन समिति है उसके अध्यक्ष भी हैं। राजनीति के साथ आप अपने पेशे को भी पूरा समय देते हैं जो अधिवक्ता? हाँ, उसमें भी जितना हम दे सकते हैं उतना समय जरूर देते हैं।